दोस्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है। 2 अक्टूबर सन 2024 को लगने वाले महासूर्य ग्रहण के दिन बदलने जा रहा है 12 में से 6 राशि वालों का भाग्य। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से बदलने जा रही है, जिसके बाद करियर कारोबार में इनको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में इनको जीत हासिल होगी। अचानक से इनके जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 में से 6 ऐसी राशियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इन राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 में से 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू वैदिक पढ़ाई के अनुसार 2 अक्टूबर को इस साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसके तुरंत बाद 12 में से कुछ ऐसी राशियां हैं जो मालामाल हो जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। एक तरीके से इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने जा रही है। इन राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद मालामाल होने जा रहे हैं। वह खुशनसीब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस आने वाले 2 अक्टूबर महासूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, इसकी सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा? इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल की अवधि कितने देर की होगी? वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस बार लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जिसका जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस दौरान आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वह भी संपूर्ण जानकारी आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की दूसरी तरफ इस सूर्य ग्रहण के दौरान 12 की 12 राशि वाले ज्योतिषी वैदिक पढ़ाई के अनुसार वह कौन से ऐसे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आप अपनी राशि के अनुसार कर लेते हैं तो आपके ऊपर आने वाली हर परेशानी अपने आप टल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और सूर्य देव जी की कृपा से आने वाले समय में अनेक प्रकार की सफलता और उन्नति आपको देखने को मिलेगी। और यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप कोई वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में पितृपक्ष में पढ़ने वाले इस महासूर्य ग्रहण की सटीक और संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपके घर पर सदैव देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तब धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती हैं, परेशानी आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण लगता है तब समुद्र में उथल पुथल होने लगती है, समुद्र में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। दोस्तों, कई वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो एक व्यक्ति के घर पर आने वाली जो परेशानियां होती हैं वह टल जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। आपके घर पर और आपके परिवार पर कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसके चलते आपको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान शुभ ग्रह गुरु का राशि में परिवर्तन होगा।
जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल को कम होता हुआ देखा जाएगा। बताया जा रहा है इन सब का असर सीधे सीधे 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 12 में से कुछ ऐसी राशि है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इन राशियों को साक्षात सूर्य देव जी की वह कृपा मिलने जा रही है, जिसके बाद इन राशि वालों का भाग्य उदय हो जाएगा। इनके नवग्रह इनका साथ देना शुरू कर देंगे। इनके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब यह राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का यह मानना है कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 में से 6 राशि वालों पर इस प्रकार से पड़ेगा कि इनके जीवन में धन लाभ दौलत नौकरी घर संपत्ति विदेशी यात्रा पर जाने के सारे योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी भी राशि उन 6 राशि में आती है जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, और अगर आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों इतना समझ कर चलिए कि इस सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद आपके व्यापार में आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में 2 अक्टूबर को रात में 9:13 पर शुरू होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य 12:04 पर होगा। सूर्य ग्रहण का खग्रास 2:08 पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 3:17 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 6:04 की होगी। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर जैसे देशों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद इनमें से 6 राशि वालों का भाग्य सूर्य के समान चमकने जा रहा है। वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, चलिए आपको एक एक करके हम इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मेष राशि वालों का जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वालों को आने वाले समय में इनको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे। आपके रिश्ते में अच्छी मिठास आएगी। भगवान सूर्य देव जी की कृपा से आपका भाग्य अब आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद अब आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता और उन्नति देखने को मिलेगी। आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ही कल्याणकारी और सौभाग्यशाली होने वाला है। अगली खुशनसीब राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं दोस्तों तो कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार से जो आपके पास धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के जीवन में लंबे समय से इनको धन का नुकसान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कन्या राशि वालों को आने वाले समय में अच्छा खासा धन का मुनाफा देखने को मिलेगा। कन्या राशि वालों की कोई संपत्ति जो बिक नहीं पा रही थी वह इस सूर्य ग्रहण के बाद अपने आप बिक जाएगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगी। अगर आप कन्या राशि के हैं और विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे तो वह सपना इस सूर्य ग्रहण के बाद जरूर पूरा हो जाएगा। कन्या राशि वालों के विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो इस सूर्य ग्रहण के बाद कन्या राशि वालों की गवर्नमेंट नौकरी भी लग सकती है। कन्या राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आने वाला समय आपके लिए अनेक प्रकार की खुशखबरी ला सकता है। अगर आप तुला राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा,
आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी अच्छे हो जाएंगे। धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप तुला राशि के हैं और नौकरी कर रहे थे तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपका जो पैसा आपको वापस मिलेगा उसमें वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं। तुला राशि वाले आने वाले समय में अनेक प्रकार की सफलताओं को अपने जीवन में देख सकते हैं और आने वाला समय आपके लिए अनेक प्रकार की खुशखबरी ला सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली खुशनसीब राशि है सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के हैं दोस्तों और लंबे समय से गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब ये मानकर चलिए आपके सारे योग बन रहे हैं जब आपकी एक सरकारी और गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी। सिंह राशि वालों का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था और लंबे समय से आपको अपने व्यापार में घाटा देखने को मिल रहा था, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके व्यापार में काफी अच्छा मुनाफा होगा और आपको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद सिंह राशि वाले अपने जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। ये सूर्य ग्रहण में ऐसे आपके योग बन रहे हैं जिसके बाद आपको कई जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगली खुशनसीब राशि है वृषभ राशि। अगर आप वृषभ राशि के हैं दोस्तों, तो आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे योग बन रहे हैं जहां से आपको धन अपने आप मिल सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको और अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है। लंबे समय से जिस संपत्ति को आप खरीदना चाह रहे थे वह संपत्ति भी आपकी हो जाएगी। आपकी शादी के योग बन रहे हैं और आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में लंबे समय से तनाव परेशानी दिक्कतों से आप गिरे हुए थे, लेकिन अब ऐसी समस्याओं का सामना आपको आने वाले समय में इस सूर्य ग्रहण के बाद नहीं करना पड़ेगा। आपका भाग्य आपके नव ग्रह इस सूर्य ग्रहण के बाद आपका साथ देना शुरू कर देंगे। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, यह सूर्य ग्रहण आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता। जब साथ हो महाकाल का तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। लाइक जरूर करें।